गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छे एक्सरसाइज है 6.2। 6.2 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपके गिवन है नंबर लाइन। साफ नहीं दिख रहा बेटा, क्या हुआ सर? साफ नहीं। किसको नहीं दिख रहा साफ? हर्षिता बेटा, आपको दिख रहा है तो अच्छे से? यस सर, मुझे नहीं दिख रहा बिल्कुल। नमन बेटा, आपको दिख रहा है क्या? यस सर। वंश? यस सर। वेरी गुड। अब जिसको प्रॉब्लम है ना वो एक बार बेटा मीटिंग से आउट होके दोबारा मीटिंग ज्वाइन करना एक बार, है ना। अब देखो, सबसे पहले जो अपना चैप्टर है वो कौन सा है? इंटीजर है। कौन सा है? इंटीजर। इंटीजर और इंटीजर को आपने अभी तक नंबर लाइन से कैसे प्लस करते हैं और नंबर लाइन से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है ना। अब जो नंबर लाइन है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर इंटीजर नंबर लाइन कैसी होती है। इंटीजर नंबर लाइन कैसी होती है? कैसी होती है? आपकी एक नंबर लाइन है। ये क्या है? आपकी एक नंबर लाइन है। लाइन है क्या आपकी? ये लाइन है। लाइन बीच में क्या है आपका? जीरो। और जीरो के इस साइड में जो भी नंबर है वो किस में है? सारे प्लस में है। और जीरो के साइड में जो नंबर है वो किस में होते हैं? माइनस में। माइनस में। इस प्रकार की जो नंबर लाइन है वो कौन सी नंबर लाइन है? इंटीजर नंबर लाइन। कौन सी लाइन है? इंटीजर। इंटीजर नंबर लाइन। यहाँ पे आपका वन है प्लस में, यहाँ पे प्लस का टू, यहाँ प्लस का थ्री, यहाँ पे प्लस का फोर, यहाँ पे प्लस का फाइव, यहाँ पे प्लस का सिक्स, यहाँ पे प्लस का सेवन, यहाँ पे प्लस का एट, डॉट 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 डॉट। अब बोलो किसको प्रॉब्लम आ रही है सर? इसको लिखना भी है क्या? हाँ लिखना भी है। आगे है सर, वो अच्छे से नहीं दिख रहा। माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, माइनस का फाइव, माइनस का सिक्स, मेरा नवा पानी करके और मेरी पूरी इस प्रकार। ये आपकी एक नंबर लाइन है। तू मत गोल ना बेटा, आवाज क्या? हाँ उधर से काट रहा, पर वो मत करना गोल ना मत। अरे ये सूर्य टांग बेटा, आपको बीच बीच में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको ज्यादा दिक्कत है क्या? आपको बार बार बोलना पड़ेगा के लिए, इसके लिए भी आप अपने माइक को म्यूट करें आप हैं सर। सर ये छोटा ही लिख दिया सर, दिख रहा ही नहीं बेटा। काउंटिंग लिखी हुई हो तो आपको भी लिख सकते हो ना, काउंटिंग की तो लिखी हुई है इसके ऊपर। काउंटिंग में क्या? अरे नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे क्या होती है? काउंटिंग। तो फिर अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि जो भी मेरे को क्वेश्चन में नंबर गिवन है उसको एक नंबर लाइन पे कैसे प्लस करूंगा, उसको पहले नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। जैसे मेरे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री, इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। क्या करनी होगी आपको? एक नंबर लाइन करोगे। अब आपको ये चेक करना होगा कि ये जो थ्री लिखा हुआ है ये प्लस में है माइनस में है? ये प्लस में है, तो जो प्लस में लिखा हुआ है तो ये है आपका क्या हो गया? प्लस का थ्री। तो आपने इस प्रकार से नंबर को क्या कर दोगे? शो कर दोगे। जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है माइनस का फाइव, बताओ ये नंबर कहाँ पे आएगा? इस लाइन के ऊपर, तो जीरो के लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में ये देखो माइनस में लिखा हुआ है और ये आपका माइनस का फाइव। क्या है आपका? ये माइनस का फाइव। माइनस का फाइव। इस प्रकार से जो आपको नंबर गिवन है उसको उस नंबर लाइन पे क्या करना है? शो करना है। शो करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, आपको नंबर लाइन यूज करनी है
और नंबर लाइन यूज करके नंबर को सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है। तो सबसे पहले मेरे को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 प्लस 4 3 प्लस 4, तो आपको नंबर लाइन से कैसे प्लस करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है, 3 है, तो उस नंबर लाइन पे 3 ये रहा। अब कितने स्टेप आगे जाना है तो ये चेक करो एक बार, कितने स्टेप आगे जाना है, 4 स्टेप। तो ये होगा आपका 1 2 3 और ये 4, और जब आपने इस 3 में जब 4 स्टेप आपने ऐड की है तो उसका आंसर कितना गया, 7। तो जब प्लस करोगे तो आपको ऐसे रोटेट करते हुए चलना है, और जब सबट्रैक्ट करना है तो आप पीछे वाले नंबर में से क्या करोगे, ऐसे आओगे वापस। अब सपोज करना, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, इसी में दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये दे रहा हूं कि माइनस का 6 और प्लस का 3, माइनस का 6 और प्लस का 3, या यहाँ पे लिख लो प्लस का 7 लिख लो या प्लस का 8 लिख लो, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे माइनस का 6 है और यहाँ पे प्लस का 8 है, अब आपको ये तो डायरेक्ट आंसर बता दोगे, लेकिन मेरे को क्या करना है, नंबर लाइन से उसका आंसर लिखना है, किससे लिखना है, नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन से इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, माइनस का 6 है, तो देखो ये रहा माइनस का 6 आपका ये रहा। अब माइनस के 6 में प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो यहाँ पे, अरे माइनस के 6 में आप प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो यहाँ पे, प्लस तो प्लस करेंगे तो अपन इस प्रकार रोटेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितनी स्टेप आगे जाओगे आप, 8 स्टेप आगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितनी है, 8। सर इसका आंसर कितना हुआ, 2। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर स्क्रीन अटक गई बेटा। अगर विपुल आपको वंस आपको दिक्कत आ रही है ना, विपुल किसको भी, वो एक बार आप मीटिंग से आउट होके दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लिया करो। अगर सभी स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं मानता हूँ कि अब स्कूल से टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। अब बताओ पहले किस किस को प्रॉब्लम आ रही है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा वंस बताओ सर, ये आपने लिखा ना 6 माइनस 6 प्लस का सर 8, तो सर इसका आंसर 2 ही था सर, इनको तो प्लस करना था ना सर। तो बेटा माइनस का 6 से आप स्टार्ट हो जाओगे तो आप प्लस के 8 तक जाओगे, अब एक नंबर माइनस में है और एक नंबर किस में है, प्लस में है, तो बताओ इसका आंसर, आप बताओ क्या होगा इसका आंसर, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, 2 बताओ इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 6 प्लस वो 8 का प्लस सर 2 होगा, क्या हुआ इसका आंसर, 2 सर 2। तो फिर बताओ ये आपका किस में है, माइनस में है, और ये प्लस में है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। जैसे अगर प्लस में नंबर है तो प्लस से स्टार्ट होगे, अगर माइनस में है तो माइनस से स्टार्ट हो जाओगे आप, आ गया समझ में, यस सर। अब नेक्स्ट देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये तो गया आपका एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ यहाँ पे, तो 5 माइनस 3, तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, ये लो, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर है आपका 0, इधर है प्लस में, इधर है माइनस में, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, वही बताओ मेरे को एक बार, किसको सर, किस में से 5 में से 3, तो ये आपका 5 हो गया।
अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपन पीछे की ओर आएंगे, कितने स्टेप पीछे आओगे, कितना स्टेप पीछे आओगे माइनस का थ्री, तो यहाँ पे वन टू थ्री, बताओ इसका आंसर क्या हुआ टू। अगर मेरे को ये करना है कि माइनस का टू और माइनस का फोर, यानी माइनस के टू में से माइनस का फोर माइनस करना है, माइनस टू में से फोर माइनस करना है एक बार यहाँ पे, अरे किसके प्रॉब्लम आ रही है ऐसा, कौन कर रहा है बार बार ऐसा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे माइनस का टू है और माइनस के टू में से फोर क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस का टू ये रहा। अब माइनस करना है तो पीछे की ओर आओगे, कितना स्टेप है, फोर स्टेप पीछे आओगे, तो देखो ये माइनस का टू हो गया ना, तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर, बताओ इसका आंसर क्या हुआ, माइनस का माइनस का सिक्स, माइनस का क्या हुआ सिक्स। तो ये तो है आपको नंबर लाइन से प्लस करना और नंबर नाइन पे माइनस करना। अब एक क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है, क्या क्वेश्चन है वो आप वन बाई वन पॉइंट को समझना, उसके बाद में फिर आप मेरे क्वेश्चन पूछना। सबसे पहले आप एक चीज करना कि मेरे पास में टू इंटीजर है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों इंटीजर किसमें हैं, पॉजिटिव में, में। सबसे पहले एक चीज देखना, अगर मैं इंटीजर को इंटीजर को अगर इंटीजर से प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। एक कंडीशन तो यह है, इंटीजर को इंटीजर से जब प्लस करेंगे तो आपका इंटीजर आएगा। अब कौन सा इंटीजर पॉजिटिव में होगा और कौन सा इंटीजर नेगेटिव में होगा, उन दोनों को प्लस करने पर, इंटीजर में क्या होगा प्लस और माइनस, अब कब आपका प्लस में होगा और कब माइनस में होगा, उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये दोनों इंटीजर आपके पॉजिटिव में है, ये इंटीजर भी पॉजिटिव में है और ये इंटीजर भी आपका पॉजिटिव में है, और दोनों को अपन क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, क्या आएगा आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ये सब अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि टू पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने पे एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, इतना यहां रखना। सेकंड इसका एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइव, क्या ये आपका इंटीजर है क्या, अरे फाइव आपका इंटीजर है क्या, प्लस में है प्लस में है माइनस में है, और यहाँ पे ये नाइन, ये भी आपका इंटीजर है क्या, यस पॉजिटिव में नेगेटिव में पॉजिटिव में, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 14, तो बताओ ये भी आपका इंटीजर है क्या, Yes, sir. तो इंटीजर को इंटीजर से आपने प्लस किया तो इंटीजर आ गया, लेकिन यहाँ पर भी इंटीजर पॉजिटिव में है और यहाँ भी इंटीजर पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव को एक सर प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, अभी मैं सारे बताऊंगा आप चेक करते रहना एक बार, पहले आप बस वन बाई वन जो मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ उसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एक्सक्यूज मी सर, 9 + 13, 9 + 13 तो कितना हुआ 22, हाँ बोलो सर, ये नोट करना है क्या अभी नोटबुक में, मैं बार बार कर रहा हूँ, जो भी बोर्ड पे है उसको सब नोट, सब कुछ नोट करना आपको। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो आपका रूल है वो क्या है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है और ये भी आपका नेगेटिव इंटीजर है,
और जब नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से प्लस करेंगे तो वो आपस में प्लस तो हो जाएंगे लेकिन उनका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। सुनो, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे लेकिन आंसर किस में आएगा, नेगेटिव इंटीजर में। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 5, बताओ ये आपका नेगेटिव इंटीजर है क्या? यस सर। ये भी आपका नेगेटिव इंटीजर है क्या? यस सर। और इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो गया, 9। अब ये 9 पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा सर? नेगेटिव में। नेगेटिव में होगा। दोनों नंबर आपस में प्लस तो हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, लेकिन नेगेटिव में आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, माइनस का 9 और प्लस का माइनस का 10, प्लस माइनस का 9 और माइनस का 10 दोनों नेगेटिव में है क्या? दोनों नेगेटिव में है क्या? यस सर। तो ये दोनों नेगेटिव में है तो आपस में ऐड तो हो जाएंगे क्योंकि अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का 19, ठीक है ना। नंबर थर्ड पे क्या होगा, एक नंबर आपका पॉजिटिव में है और एक नंबर आपका नेगेटिव में है और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना वो आपस में प्लस नहीं होंगे, वो आपस में माइनस होते हैं। एक नंबर पॉजिटिव में होगा और एक नंबर नेगेटिव में होगा, अपन उन दोनों को कर तो क्या रहे हैं प्लस, लेकिन वो प्लस होने के बाद में जो उसका आंसर आएगा वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसके एग्जांपल देखो, सर कब तो प्लस में आएगा आंसर और कब इसका आंसर माइनस में आएगा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, संख्या के ऊपर। अगर बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है तो उसका आंसर आएगा प्लस के अंदर, ठीक है। और अगर बड़ी संख्या माइनस में है और छोटी संख्या प्लस में है तो उसका आंसर आएगा किसमें, माइनस में। एग्जांपल देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है आपका नंबर फर्स्ट 9 प्लस का है, 9 किसका है, प्लस का है, और यहाँ पे जो आपका 5 लिखा हुआ है ये किसका है, माइनस का। अब इन दोनों कर क्या रहे हैं अपन, यहाँ पे प्लस करेंगे, दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसका विशेष ध्यान रखना वो प्लस नहीं होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, माइनस। माइनस जब एक नंबर प्लस में होता है और एक नंबर माइनस में होता है तो वो कर तो रहे अपन प्लस है, लेकिन प्लस नहीं होकर क्या होगा, वो माइनस होगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 4। अब बताओ ये 4 माइनस में आएगा प्लस में आएगा, ये 4 किस में आएगा, प्लस में आएगा। और प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या जो आती है, बड़ी यानी ग्रेटेस्ट जो नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो किस में है, पॉजिटिव में, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो किस में है, नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो इनको ऐड करने पर आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। अब एक चीज मैंने और बताई आप यहाँ पे, इसको भी दिमाग में नोट कर लेना, क्या कि एक नंबर पॉजिटिव में होता है और एक नंबर नेगेटिव में होता है तो वो ऑलवेज आर सब्ट्रैक्ट, वो हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। आगे देखो एग्जांपल नंबर सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 10, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस का 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ है 7, क्या लिखा हुआ है, प्लस का 7 लिखा हुआ है। अब बताओ ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में तो कितना है इसका, तो माइनस का, माइनस का 17, माइनस का 7, माइनस का 3 क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 3। मैंने आपको ये बताया कि जब एक नंबर पॉजिटिव में और एक नंबर नेगेटिव में अगर उनको प्लस करेंगे तो वो प्लस नहीं होंगे, वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। जब एक नंबर पॉजिटिव में होगा और एक नंबर नेगेटिव में होगा और अगर उनको अपन प्लस करेंगे तो वो प्लस ना होकर क्या होगा,
क्या होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, इसका थर्ड एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का नाइन, सॉरी माइनस का 15, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 6। अब सुनो, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, और अपन क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, तो ये दोनों आपस में प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन इसकी वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में। तो माइनस का 15 और माइनस का 6 कितना हुआ, माइनस का 21। क्या हुआ यहाँ पे, माइनस का 21। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में होता है, तो वो आपस में एड का चिन्ह तो अपन ने लगा रखा है, एड का साइन तो अपन ने लगा रखा है, लेकिन वो एड ना होकर क्या होगा, आपका सब्ट्रैक्ट होगा। अब बताओ, इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें किसी को डाउट है तो अभी भी कोई पूछ सकता है। आगे चले गया, अब है अब देखो एक बार मल्टीप्लाई, तो ये तो है किसकी बात की, पढ़ने प्लस की बात की थी, किसकी बात की थी, प्लस की बात की थी। अब क्या करेंगे, सेकंड कौन सा है आपका, सेकंड कौन सा है कि ये आपका इंटीजर है और ये भी आपका क्या है, इंटीजर, और दोनों को क्या कर रहे हैं अपन, दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, क्या करेंगे इन दोनों को, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर, इंटीजर, क्या आएगा इसका आंसर, इंटीजर। अब कौन सा इंटीजर को कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे प्लस में आएगा, और कौन से इंटीजर को कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे माइनस में आएगा, उसका डिस्कस अपन करेंगे अभी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ये सबके समझ में आ गया क्या, यस सर। तो यहाँ पे 2 × 8, क्या ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है क्या, क्या ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है क्या, पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे 4 × 7, 4 × 7 कितना हुआ, 28। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, नेक्स्ट एग्जांपल ये है माइनस, सॉरी 6 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 6 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो आपका ये जो दोनों इंटीजर है, क्या ये दोनों इंटीजर पॉजिटिव में है क्या, क्या ये दोनों इंटीजर पॉजिटिव में है क्या, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना हो गया, 15। ठीक है ना। नंबर सेकंड, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है और ये भी आपका नेगेटिव इंटीजर है, और जब नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। देखो मल्टीप्लाई करते हैं तब तो क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, और जब सब प्लस करते हैं तब क्या आएगा आपका, नेगेटिव इंटीजर आएगा। इसका भी विशेष ध्यान, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे माइनस का 4 × माइनस का 9, माइनस का 4 × माइनस का 5, माइनस का 9, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, अरे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस,
माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा आपका प्लस है, और 4 इंटू 9 कितना हुआ 36 है, कितना हुआ 36 है। तो जब आपने 4 को मल्टीप्लाई 9 से किया तो उसका आंसर कितना आएगा 36 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 15, और माइनस के 15 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, मल्टीप्लाई करना है माइनस के 15 को मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस के 7 से करना है। तो दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 15 इंटू 7 बताओ 15 इंटू 7 कितना होता है, 15 इंटू 7 अरे 15 7 जा 105, ठीक है ना। नंबर थर्ड नंबर क्या होगा, एक नंबर आपका पॉजिटिव में है और एक नंबर आपका नेगेटिव में है, और उनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर सेकंड ये हो जाएगा एक नंबर आपका नेगेटिव में है और एक नंबर आपका पॉजिटिव में है, उनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका आंसर किसमें आएगा हमेशा किसमें आएगा, दोनों का ही नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, प्लस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 9, प्लस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 9, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर किसमें आएगा नेगेटिव में, इसमें आएगा नेगेटिव में, तो माइनस का 36 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 प्लस का 6 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में माइनस का 7 है, यहाँ पे प्लस का 6 है और यहाँ पे माइनस का 7 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 42। अगर एक नंबर प्लस में होगा और एक नंबर माइनस में होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, माइनस का 5 और मल्टीप्लाई 9, माइनस का 5 मल्टीप्लाई 9, ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो आंसर किसमें आएगा नेगेटिव में, और 5 इंटू 9 कितना हुआ आपका 45। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि एक नंबर आपका पॉजिटिव में है और एक नंबर आपका नेगेटिव में है, तो उसका मल्टीप्लाई करने पे ऑलवेज आर नेगेटिव नंबर, कौन सा नंबर होगा आपका नेगेटिव नंबर होगा। ये है आपका इंटीजर का सब्ट्रैक्शन और इंटीजर का मल्टीप्लाई। सेकंड देखो एक बार, दूसरा क्या है, अगर मैं किसी भी इंटीजर में एनी, देखो नेक्स्ट टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, अगर मैं किसी भी इंटीजर के अंदर अगर मैं 0 को प्लस करूंगा तो सेम वही इंटीजर आएगा। अगर किसी भी इंटीजर में अगर आप 0 को प्लस करोगे तो सेम आपका वही नंबर आएगा। एग्जांपल देखो यहाँ पे 3 प्लस 0, तो 3 प्लस 0 कितना हुआ 3। सेकंड है 9 प्लस 0, तो कितना हुआ आपका 9। तो किसी भी नंबर में अगर 0 को प्लस करते हैं तो सेम आपका वही नंबर आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। या फिर एक चीज बताना, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूंगा कि 0 प्लस a, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या आपको 0 प्लस a, तो भी आपका आंसर क्या होगा, तो भी आपका आंसर क्या होगा सेम वही नंबर होगा, तो भी आपका सेम वही नंबर होगा, कौन सा 0 प्लस a, तो भी क्या होगा आपका a ही होगा। जैसे यहाँ पे लिखा आपने 0 प्लस 11, तो इसका आंसर क्या हुआ 11। 0 प्लस 19, तो इसका आंसर कितना हुआ 19। तो किसी भी नंबर में अगर 0 को प्लस करते हैं तो सेम आपका वही नंबर आएगा, ठीक है ना। अब सुनो, एक तो है आपका सक्सेशन नंबर,
और एक है आपका प्रोड्यूसर नंबर। जो सक्सेशन नंबर क्या होगा और प्रोड्यूसर नंबर क्या होगा कौन बताएगा? मैंने बहुत अच्छे से बता रखा आपको। सक्सेशन नंबर, सक्सेशन नंबर में सिर्फ 1 प्लस करते और प्रेडेसर नंबर में सिर्फ 1 माइनस करते। वेरी गुड। सक्सेशन नंबर में क्या करते हैं? 1 क्या करते हैं? प्लस करते हैं। किसी भी नंबर में अगर 1 प्लस करेंगे तो जो आपका नंबर आएगा वो नंबर उस नंबर का क्या होगा? सक्सेशन नंबर होगा। और प्रोड्यूसर नंबर क्या होगा? किसी भी नंबर में 1 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर उस नंबर का क्या होगा? प्रोड्यूसर नंबर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9 में अगर आपने प्लस 1 किया है तो कितना आ गया? 10। तो ये 10 किसका सक्सेशन नंबर है? ये 10 9 का सक्सेशन नंबर है। और अगर मैं 9 माइनस 1 करूंगा तो कितना आ गया यहाँ पे? 8। तो बताओ इस 8 का प्रोड्यूसर नंबर कौन सा होगा? 9। ठीक है ना। अब दूसरा एक है आपका कौन सा? एडिटिव इनवर्स। देखो सुनो, जो मैं लिखा रहा हूं ना उनको लिखते रहना। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जो नंबर आपका प्लस में है वो नंबर किस में हो जाएगा? माइनस में। जो नंबर आपका प्लस में है वो नंबर किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो जो नंबर माइनस में है वही क्या होगा आपका? एडिटिव इनवर्स होगा। क्या होगा आपका यहाँ पे? एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? क्या होगा? सिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6। जो नंबर प्लस में है वो किस में जाएगा? माइनस में। और जो नंबर माइनस में है वो किस में जाएगा? प्लस में। जैसे यहाँ पे माइनस का 11, तो माइनस के 11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का जो 11 है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का वो प्लस का 11। माइनस का 35, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस प्लस का 35। प्लस का 35, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जो नंबर आपका पॉजिटिव में है, जो आपका नंबर पॉजिटिव में है वो नंबर किस में जाएगा? नेगेटिव में। तो यहाँ पे ये लिखोगे ए ऑफ, क्या लिखोगे यहाँ पे? ए ऑफ एडिटिव इनवर्स। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। और माइनस ए ऑफ एडिटिव इनवर्स, जो माइनस ए है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस ए। प्लस ए, ए। और ये जब प्लस में होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। माइनस। एग्जांपल 11 ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 11। 11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 11। माइनस 35